अ हेल्दी माइंडसेट पार्ट वन, स्वस्थ मानसिकता के पहले भाग में मैं एमएम पटेल आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, हमने अपनी मानसिकता में क्या जमा किया है और क्या उपयोग में लाते हैं, गोल्ड या गार्बेज, सोना या कूड़ा। चॉइस आपका है, विकल्प आपका है। आगे बढ़े, मानसिकता को दो भाग में बांटें, गोल्ड गार्बेज, सोना कूड़ा। अब डिस्कस करते हैं ये मिला कहां से, सोना कहां से मिला, गार्बेज कहां से मिला। पांच सोर्सेस हैं। पहला, वंश से मिला, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और बहुत सारे लोग जिनका थोड़ा बहुत हिस्सा हमारी मानसिकता में आया। दूसरा स्रोत, लालन पालन, अपब्रिंगिंग, पैदा होने से करीब 4-5 साल तक जिस तरह से हमारा लालन पालन किया गया। तीसरा सोर्स, सराउंडिंग, हमारे चारों ओर का वातावरण, समाज, स्कूल, कॉलेज वगैरह वगैरह। चौथा स्रोत, ऑक्यूपेशन, नौकरी या पेशा। इन चारों चीजों से हमारी मानसिकता बनी, हमारे विचार बने। ये चारों सोर्स पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन पांचवा सोर्स जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, हमारी अपनी सोच, और यहीं पर हमें हमारा विकल्प मिलता है। आगे बढ़ते हैं और तीन प्रोसेसेस, तीन प्रक्रियाओं की बातें करते हैं। पहली प्रक्रिया है स्वीकार करना, मानसिकता को स्वीकार करना, मानसिकता को अपने दिमाग में लाना। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया है व्यवस्थापन करना, अरेंज करना, अपने दिमाग में किसी मानसिकता को हम कहां पर रखते हैं, ऊपर भाग में जिससे उपयोग में हम तुरंत ला सकें, या बहुत नीचे जिसको निकालने में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़े। पहली प्रक्रिया मानसिकता को स्वीकार करना, दूसरी प्रक्रिया बहुत सारी मानसिकताओं को हम स्वीकार करेंगे, उनको अरेंज करना, उनको रखना, रखने का तरीका बनाना, और तीसरी प्रक्रिया मानसिकता का उपयोग करना, एक्सेप्ट अरेंज यूज, स्वीकार करें, व्यवस्थित रूप से रखें और उपयोग करें। चर्चा करते हैं बहुत सारी मानसिकताओं की। पूरी की पूरी मानसिकता कूड़े से लबालब, दिमाग में कुछ नहीं, कूड़ा। दूसरा, बहुत ज्यादा कूड़ा, थोड़ा सा सोना। तीसरा, आधा कूड़ा आधा सोना। चौथा, थोड़ा सा कूड़ा बहुत ज्यादा सोना। और पांचवा, पूरा का पूरा सोना। पांच चित्र आपने देखे, आप देख रहे हैं कि कूड़ा पहले चार चित्रों में ऊपर है। इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या होगा? जो थोड़ा सा सोना हमारी मानसिकता में है, वह हमारे दिमाग के बिल्कुल ऊपर के भाग में है, उपयोग करने के लिए तुरंत हम निकाल पाएंगे। उसी तरह से जो थोड़ा सा कूड़ा हमारी मानसिकता में है, वह हमारे दिमाग में बिल्कुल नीचे है, उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कूड़ा सोने से दबा हुआ। इसके बाद आधा सोना आधा कूड़ा, लेकिन आधा सोना दिमाग के ऊपर हिस्से में। इस तरह का अरेंजमेंट थोड़ा मुश्किल है। प्रैक्टिकली होगा सोना और कूड़े का मिक्सचर। कुछ सोना ऊपर में होगा, सोने के साथ साथ कुछ कूड़ा भी ऊपर में होगा, इसी तरह कुछ सोना नीचे में होगा, सबसे नीचे हिस्से में होगा, वहां पर थोड़ा बहुत कूड़ा भी रहेगा, मिक्सचर होगा। अब हमें चाहिए क्या? सबसे अच्छी अवस्था है पूरा का पूरा सोना हो। मुश्किल है, साधु संतों के लिए संभव है, हमारे लिए नहीं। हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सोना ऊपर हो, कूड़ा सोने के नीचे हो, ताकि उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें सोना मिले, गोल्ड मिले। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं थोड़ी कहानियों का उपयोग करूंगा। सबसे पहली कहानी, पंडित विथ गार्बेज, पंडित जी कूड़े के साथ। पंडित जी थे, पंडित जी ने बहुत आराधना की भगवान की, भगवान प्रसन्न हुए,
दर्शन दिया। पंडित जी को कहा, बेटा मैं खुश हुआ, एक वरदान दूंगा, सिर्फ एक वरदान मांगो। पंडित जी ने हाथ जोड़े, बोले, हे भगवान, हे प्रभु, मेरी पत्नी है, मेरा लड़का भी है, यदि आप 3 वरदान देंगे सबको एक एक तो मुझे खुशी होगी। भगवान मुस्कुराए, तथास्तु। पंडित बड़े खुशी खुशी घर आए, पत्नी से कहा, पुत्र से कहा। पत्नी ने तुरंत कहा, हे भगवान, मुझे रूप सुंदरी बना दो। पंडित जी की पत्नी हो गई खूबसूरत। राजा गुजरे, सुंदरी को देखा, राजा ने सुंदरी को उठाया, गए राजमहल, रानी बना लिया। पंडित जी को गुस्सा आया, पंडित जी ने कहा, हे भगवान, मेरी पत्नी को बकरी बना दो। अब रानी बन गई बकरी, राजा ने घर से निकाल दिया। पत्नी वापस आ गई बकरी बनकर, पुत्र ने देखा, पुत्र ने हाथ जोड़े, हे भगवान, मेरी माँ को जैसी थी वैसी बना दो। तीनों के वरदान गए। पंडित जी और पंडित जी की पत्नी की मानसिकता में क्या था? कूड़ा, 100% कूड़ा। दूसरी कहानी देखते हैं पंडित जी की, दूसरे पंडित जी की, सोने के साथ प्रभु की आराधना की। भगवान खुश हुए, दर्शन दिया। भगवान ने कहा, बेटा एक वरदान मांगो। पंडित जी बोले, भगवान 24 घंटे की मोहलत दीजिए, मैं सोच करके बोलूं। पंडित जी घर आए, मीटिंग हो गई। पंडित जी के पिताजी अंधे थे, उन्होंने कहा, बेटा भगवान से मेरी आंखें मांगो, मैं मरने के पहले तुम सबको देखना चाहता हूं। पंडित जी की पत्नी को क्रोध आया, बोली, इनका एक पैर श्मशान में है, एक पैर घर पे है, आंख लेकर के क्या करेंगे? भगवान से मांगना है तो धन मांगो, दौलत मांगो, हमारी हालत सुधर जाएगी। पंडित जी के लड़के ने कहा, पिताजी मैं जवान हूं, पैसे कमा लूंगा, भगवान से मांगना है तो मेरी अभी अभी शादी हुई है, मेरे लिए एक पुत्र मांगिए। पंडित जी ने कहा, ठीक है, कल देखूंगा। पंडित जी सो गए, सुबह मंदिर पहुंचे, भगवान आए, पंडित जी ने हाथ जोड़े। भगवान ने कहा, बेटा वरदान मांगो, सिर्फ एक। पंडित जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान, आप मेरे पिताजी को सोने के झूले में झूलता हुआ मेरा पोता दिखा दीजिए। हे भगवान, आप मेरे पिताजी को सोने के झूले में झूलता हुआ मेरा पोता दिखा दीजिए। लॉर्ड, लेट माई फादर सी माई ग्रैंडसन प्लेइंग इन दी गोल्डन क्रैडल। भगवान मुस्कुराए, बोले, तथास्तु। सारी चीजें मिल गई। पंडित जी के दिमाग में पूरी सोने की मानसिकता। तीसरी कहानी देखते हैं। 2 कीड़े सड़क के किनारे की नाली में रहते थे। एक दिन डिनर चल रहा था दोनों का। पहले कीड़े ने कहा, सुना है क्या, सामने में जो होटल है बहुत ही साफ सुथरी है, वहां की सारी चीजें शीशे की तरह चमकती है। दूसरा कीड़ा गुस्से में आ गया, झुंझला करके कहा, अरे यार मेहरबानी करो, खाते समय तो कम से कम ऐसी घिनौनी बातें मत किया करो। दूसरे कीड़े के दिमाग में पूरा का पूरा कूड़ा। आगे बढ़े, चौथी कहानी। एक सज्जन प्रतिदिन पीते थे, एक दिन बहुत पिया। मित्र ने पूछा, यार आज क्यों पिया? बोला, पता नहीं, आज रमेश के लड़के की शादी है इसलिए खुशी से पी रहा हूं। मित्र बोले, कल क्यों पिया था फिर, कल क्या खुशी मिली थी? पियक्कड़ ने कहा, तुम्हें पता नहीं, कल श्याम के लड़के की नौकरी छूट गई इसलिए गम में पिया। मित्र झुंझलाए और पूछा, फिर परसों क्यों पिया था तुमने? पियक्कड़ बोले, अरे तुम्हें पता नहीं, परसों ना तो खुशी थी ना तो गम था, अब कुछ था ही नहीं तो मैं क्या करता, इसलिए मैंने परसों पिया। खुशी में पिएंगे, गम में पिएंगे, न खुशी न गम, कुछ नहीं फिर पिएंगे। मानसिकता में पूरा का पूरा कूड़ा। एक और कहानी सुनाता हूं। एक भिखारी की लॉटरी लग गई 10 लाख की। बड़े खुश हुए, घर पहुंचे, मीटिंग हो गई।
भिखारी ने कहा, एक घर ले लेते हैं, कुछ पैसे बैंक में रख देते हैं, खाना पीना चलता रहेगा। भिखारी की पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, बोली, क्या बकवास करते हो, मेरी हालत देखो, न तो अच्छे कपड़े हैं ना तो गहने हैं, सबसे पहले लेंगे मेरे लिए कपड़े, मेरे लिए गहने, फिर घर की बात और बाकी बात। भिखारी का लड़का बोला, पिताजी पिताजी रुकिए, सबसे पहले हमें एक कार खरीदनी चाहिए। भिखारी और भिखारी की पत्नी को बड़ा ताज्जुब हुआ, लड़के की तरफ देखा, लड़के ने स्पष्टता की, बोला, पिताजी मैं कार लेकर के भीख मांगने जाऊंगा, जब पैदल भीख मांगने जाता हूं तो पैरों में बड़ा दर्द होता है। लड़के की मानसिकता में पूरा का पूरा कूड़ा। ये तीनों कहानियों में सोने का एक तिनका भी उन पात्रों में नहीं दिखा। आगे बढ़ते हैं और छठी कहानी सुनाता हूं। कहानी है एक पति की। पत्नी बीमार हो गई और बीमारी ने इस कदर घेरा कि पत्नी को लगा कि उसकी मौत निश्चित है। दुखी हो गई, पति के हाथ में अपना हाथ लेकर के बोली, देखो मैं मर जाऊं तो तुम शादी जरूर कर लेना, तुम अकेले पूरी जिंदगी कैसे बिताओगे, लेकिन एक बात कह देती हूं, अपनी नई पत्नी को दूसरी पत्नी को मेरे कपड़े पहनने मत देना। पति अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करो, मालिनी को तुम्हारे कपड़े आएंगे नहीं, क्योंकि मालिनी तुमसे बहुत ज्यादा मोटी है। पति के दिमाग में पूरा का पूरा कूड़ा। और एक कहानी सुनाता हूं, लवर्स की। प्रेमी और प्रेमिका लंबी ड्राइव पर निकले। प्रेमी ने गाड़ी निकाली, प्रेमिका को बिठाया, बहुत दूर आ गए, सुनसान जगह, गाड़ी अचानक रुक गई। प्रेमिका ने कहा, क्या हुआ? प्रेमी मुस्कुरा करके बोला, पेट्रोल खत्म, नीचे उतरते हैं, देखते हैं क्या करना है। प्रेमिका मुस्कुराई, अपनी बैग खोली और बोतल निकाली, बोली, मुझे पता था लंबी ड्राइव पर निकलेंगे और सुनसान जगह आएगी तो ऐसा कुछ होगा ही, ये देखो मैं पूरी तैयारी करके आई हूं, और बोतल जरा ऊपर उठाई। प्रेमी बहुत खुश हुआ। प्रेमी ने कहा, अरे वाह, क्या लाई हो, रम है या विस्की? प्रेमिका ने हंसते हुए कहा, नहीं न तो रम है न तो विस्की, इस बोतल में तो पेट्रोल है। प्रेमी के दिमाग में कूड़ा, प्रेमिका के दिमाग में सोना। सोना क्यों? दूसरे के दिमाग का कूड़ा दिखना चाहिए। दूसरे के दिमाग का कूड़ा हम देख पाए और अपने दिमाग के सोने को इस्तेमाल किया तो दूसरे के दिमाग के कूड़े का दुष्प्रभाव हम रोक पाएंगे। प्रेमिका ने रोका। अब आखिरी कहानी सुनाता हूं। छत पर औरत, फ्लैट, फ्लैट पर छतें। एक युवक खड़ा था छत पर, उसने बाजू वाली छत पर देखा, उस छत पर एक औरत आई जो बाजू वाले फ्लैट में रहती थी, उसने आते आते ब्लाउज उतारा, उसके बाद धीरे धीरे साड़ी उतारी और फिर एक झटके में पेटीकोट उतार दिया, और उसी समय उस औरत की नजर युवक पर पड़ी। उस औरत ने हाथ के इशारे से युवक को बुलाया। युवक परेशान, डर गया, डरते डरते औरत के पास पहुंचा। अब मैं आगे की कहानी आप पर छोड़ता हूं, आप पूरी करें। आप चाहें तो एक मिनट वीडियो रोक दें, सोचें आप कहानी को किस तरह से पूरी करना चाहेंगे। आप देखें, आप युवक के बारे में अपने विचार बनाएं, आप औरत के बारे में अपने विचार बनाएं, औरत और युवक के बीच में क्या होगा वह सोचें, और कहानी पूरी करने के बाद अपने आप को इवैल्यूएट करें, अपनी मानसिकता को जांचें। आप अपनी मानसिकता को जांचें और पता करें कि आपकी मानसिकता में कितना सोना कितना कूड़ा। सोना ऊपर कि कूड़ा ऊपर, आपने सोने का इस्तेमाल किया या कूड़े का इस्तेमाल किया। मैं कहानी पूरी करूं, युवक की उम्र 18 साल, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, मार्क्स कम आ गए। औरत की उम्र 50 साल, सूखते हुए कपड़े उतार रही थी,
सूखता हुआ ब्लाउज उतारा, धीरे धीरे साड़ी उतारी, साड़ी कॉस्टली थी, पेटीकोट एक झटके से उतार दिया और युवक को देखा। देखने के बाद उसे बुलाया और बोली, बेटा मात सुना है तुम्हारे कम आए, घबराना नहीं। और फिर युवक को समझाया, अब कहानी के मेरे दूसरे हिस्से और आपके दूसरे हिस्से की तुलना आप करें। मानसिकता में सोना इकट्ठा करें, सोने को ऊपर रखें ताकि उपयोग में लाने के लिए सोने को निकालना पड़े तो तुरंत आप निकाल सकें। कूड़े को सोने के नीचे रखें, दबा करके रखें ताकि कूड़े को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। कूड़े को निकालने की मेहनत करने के बजाय सोने का उपयोग आप पहले कर पाए। और हेल्दी माइंडसेट, स्वस्थ मानसिकता के अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। इसी तरह कुछ सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, कुछ कहानियों का हेल्प लेकर के, कहानियों की मदद से हम सीखेंगे। यदि आप चाहें तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फोन करें, मेल करें। मेरे यूट्यूब के इस तरह के कुछ वीडियो हैं, देखें। हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके से मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।